बिलावल महल्ला पंचमां राख लिए सतगुर की शरण जय जयकार हुआ जग अंतर पार ब्रह्म मेरो तारण तरण रहा विश्वंबर पूरन सुख दाता सगल समगरी बोखन परण थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रख दया हर सिमरत नानक नहीं डरण वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार संत बाबा सुखचैन सिंह जी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान भी हैं और खास करके वो आप धार्मिक सुभाव होने करके धर्म प्रचार विच हमेशा मोहरी हो के वर्तन वालियां विचों बहुत जीवन वाले सिंह ने आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु कलगीधर पातशाह जी का पवित्र प्रकाश गुरपुरब 28 दसंबर नूं है। 28 नूं ही नगर कीर्तन सजेगा अते फिर 29 तरीक नूं विशेष गुरमत समागम गुरद्वारा रकाबगंज साहब होणगे। आप जी ने हाजरियां भर के सेवा करके गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। एक बेनती जो झाड़ू ते नमक लून लैके असी गुरद्वारे आउने आ
नहीं लैके आना चाहिदा, इहदी जगह गुरु के लंगर दी रसद लैके आओ। जे आपां चाहुंदे आ सतगुरु साडे दुख कट्टण, बाणी पढ़ो, संगत करो, सेवा करो, जोड़ियां दी कर लो, बर्तनां दी कर लो, सतगुरां दे बख्शे च बच्चे दा जल छको, घर लै जाओ, अमृत सरोवर विच इशनान करो। निश्चय ही मेरे गुरु हर कृष्ण साहब महाराज तुहाडे सारे दुख कट्टणगे। इहो जे वहमां भरमां कर्म कांडां विच सानू नहीं पैना चाहीदा। ये नमक, लून, झाड़ू मुसलमानां दीआं कबरां बाजारां ते लोक लैके जांदे सन, और इसनों भी मैं बेनती करा, जिहड़ा इस्लाम है जिहनूं मुसलमान धर्म कहने आ वो बिल्कुल प्रवान नहीं करदा। इस करके मेरी बेनती है आपां भी ना लियाया करिए, कोई लियाउंदा भी है तो उन्हों हाथ जोड़िए कि वीर तो आटा लाया, होर कोई रसद गुरु के लंगर ली लाया, सतगुरु तेरे ते खुश होणगे। आओ अगले समय वास्ते बाबा जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेह सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिट खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, दे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, सोई रामदास गुर बल पण, मिल संगत तन तन करो। जे सतगुर लग प्रभ पाईए, सो सतगुर सिमरो नरो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साहु, जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पांजवा, राख लिए सतगुर की सरण, जय जय कार हुआ जग अंतर, पार ब्रह्म मेरो तारण तरण रहाओ। बिलावल महला पांजवा। परम सत्कार योग पातत पावन कृपा निदान भगत वछल गुरु गरीब निवाज दसा ही गुरुआं दी आत्मक जोत, जहरा जहूर हाजरा हजूर शतर चबर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी पवित्र पावन बाणी ते ओ
गुरु के दर्शन करके अपने जीवन नू सफला कर रहे हो। सो सतगुरु महाराज दा ये स्थान बड़ा पवित्र पावन स्थान है, क्योंकि इस जगह ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह ने चरण पा के नवाजिया है। किसी समय जय सिंह का बंगला सी, सरकारी बंगले कोठियां अज भी बहुत पईयां ने, पर वो पूजनीक नहीं बनिया, क्योंकि राजे महाराजिया दी जगह नहीं पूजनीक बनदियां। पर जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जिथे मेरे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरण पै जान, वो बंगला बंगला साहिब बन के संसार विच प्रसिद्ध हो गया है। और इन्ने ही नहीं, इस जगह ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने दिल्ली वासियां दे सारे दुख कट्टे महाराज ने, आते गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने भी ये बचन ये लफ्ज अपनी बाणी विच वरते कि श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज सच्चे पातशाह श्री हरकृष्ण तिहाई है, जिस डिठ है सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी नूं देखण दे नाल ही सारे दुख नाश हो जाते हैं। और अज भी उही गुरु का स्थान उन्नी शक्तिशाली है, अज भी बेअंत दुखियां दे दुख इत्थे आके दूर होंदे हन। सो करोड़ा करोड़ा बारी इस धरती नूं नमस्कार है, रोम रोम करके नमस्कार है, जे जगह ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे चरण पए। अज उस गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब दे सरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी साडे विच विराजमान हन, और उन्हां दी लड़ीवार पाठ ते उहदी व्याख्या सुन के अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। हुणे ही सिंह साहब भाई रणजीत सिंह ने लड़ीवार चलदे पाठ विचों बड़ा सुंदर शब्द सुनाया प्रेम नाल शुद्ध बाणी पढ़ के, क्योंकि महाराज का हुक्म है अजकल बाणी का शुद्ध पढ़न का ख्याल मुकता जा रहा हौली हौली। पर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का फुरमान है कि भाई बाणी शुद्ध पढ़ो, सिखो सुनो सीख है मेरी बाणी पढ़ो शुद्ध गुर केरी। महाराज कहते सिखो मेरी एक सिख्या सुन लो, बाणी शुद्ध पढ़िया करो। महाराज कहते बाणी शुद्ध पढ़ो, जेड़ा शुद्ध पढ़ेगा उन्हें की मिलेगा। सिखो सुनो सीख ए मेरी बाणी पढ़ो शुद्ध गुर केरी, पढ़े महात्मा लह विशाल हलत पलत में होए सुकाल। महाराज कहते जेड़ा बाणी शुद्ध पढ़ेगा और ये संसार विच भी सौखा होएगा अते परलोक विच भी आनंद भोगेगा। सो ये महाराज का हुक्म है। सो सिंह साहब ने बड़ी प्रेम ते सुंदर लफजां दे नाल आपां नूं शब्द सुनाया। सो आओ आपां उस शब्द की गुरु महाराज सच्चे पातशाह दे चरणां विच बेनती करिए कि सानू गुरु जी समर्था बख्शे, उहदी असीं विचार कर सकीए कि सतगुरु महाराज सानू ये विचार बख्शिश करन दा उद्दम अपराला ते बुद्धि बख्शिश करन। सो सारी संगत अपनी चरणी गुरु अपने गुरु के चरणों में हाजिरी लवाओ, क्योंकि असी कई बार गुरु घर दे विच तन ते मन की हाजिरी प्रवान है। जे कोई कल्ले मन की हाजिरी कहे भाई गुरु घर में तां मन करके जाया, ये भी प्रवान नहीं। और जे कोई तन करके ही आ गया मन करके नहीं आए तां ही प्रवान नहीं होया करदी। सो सतगुरु के चरणों में तन करके भी आओ ते मन करके भी आओ। तन करके बहुत सारे आ जाते हैं गुरु के चरणों च, मन करके पिछे रह जाते हैं, साडा मन पिछे ही तुरिया फिरदा हुंदा है। इस करके आपने गुरु के चरणों में सब ते उत्तम हर की कथा, ऐसी कथा दे विच अपना मन एकागर करो। तन करके भी गुरु के चरणों च बैठे हो, मन करके भी हाजिर होइए, अते सारे मन करके हाजिर होइए, मन नूं महाराज सच्चे पातशाह दे चरण नाल जोड़िए, सारे गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पांजवा। सो साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का यह शब्द है अते बिलावल राग है रागां दी गिनती विच। सो बिलावल राग विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह पवित्र पावन शब्द उचारिया है। रागमाला दे अनुसार यह राग भैरव राग का पुत्र है। सो ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावह गायन पात्र। भाव रागां की गिणती दे विच ओ बिलावल राग भैरव राग का पुत्र है। सो उस राग दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज पवित्र पावन शब्द उचारदे हन। आओ मन एकाग्र करके सुन के अपने जीवन नूं सफला करो। राख लिए सतगुर की सरण। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई राख लिए सतगुर की सरण। सानू रख लिया उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने कृपा करके। किवें रखिया? सतगुरु की सरण विच पैण करके। सो सतगुरु की सरण पैना साडा काम है। सरण आउणा चाहीदा है और रख्या करना गुरु का कर्म है वह करता है। इस करके शरण साडा क्योंकि शरण साडा जतन है। महाराज कहिंदे जतन ते तुसीं जरूर करो ना कराओ जतन जे होए मेहरबाना। महाराज कहिंदे जतन करो और जतन दे नाल गुरु कृपा करे कि मेहरबान हो जाए। तो जदों गुरु मेहरबान हो जाए फिर की करने ता को देओ जीओ कुरबाना। उसनों अपना जी कुरबान कर दईए अपना आप बलिहारे कर दईए कुरबान कर दईए। सो राख लिए सतगुरु की सरण। महाराज सच्चे पातशाह ने कृपा करके रख्या कीती। किवें कीती? कि गुरु की सरण विच आ गए। और गुरु एडा कृपालू ते दयालु है असीं गुरु की सरण वल तुरीए एक कदम अते गुरु साडे वल करोड़ां कदम अगे पुट के आउंदा। एडा दयालु कृपालू है गुरु। सिख दे वास्ते सदा ही तत्पर है। सिख ते मेहर करन वास्ते दया करन वास्ते कृपा करन वास्ते क्योंकि दयालु जो होया वह सदा ही तैयार है। हाँ सिख कदम बना तुरे गुरु की करे। भाई गुरदास ने बड़े सुंदर बचन कहे चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल। कहिंदे कोई तुरके तां वेखो गुरु के चरण गुरु के शरण वल असी एक पेंडा एक कदम तुरीए तां सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह अपने सिख नूं करोड़ां पेंडा करोड़ां कदमां पुट के अपने सिख नूं अपनी गलवकड़ी च लैंदा है। गुरु वल नूं सिख चले सही। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह करोड़ां पेंडा आ करके करोड़ां कदमां पुट के सिख दी रक्षा करदा है। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु गरीब नवाज जी जिहड़े भी सरब च पै जांदे हन उहनां दी रक्षा गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी करदा है। गुरु उड़ीकदा सिख नूं मेरी शरण च कदों आए। क्योंकि गुरु दयालु है गुरु कृपालू है गुरु का कर्म है गुरु का कर्तव्य है कि उन्हें संसार का कल्याण करना। गुरु कोई अपनी ऐसो इशरत वास्ते नहीं दुनिया ते आउंदे। गुरु संसार दे दुखां नूं देख करके दुनिया ते आउंदे हन और उन्हां दे दुखां नूं मिटण वास्ते जतन करदे हन। धन गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का आना भी तां ही होया कि जदों इह संसार ते बेअंत पाप वध गए जदों कलमल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए जदों इह पापां दे नाल विशे विकारां दे नाल और दंभां दे पखंडां दे नाल इह धरती ते काल सा गई सारे तां इह भी इसने भी अरदास कीती मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु रख्या करो। तो उसने फिर सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सुनी पुकार दा तार प्रभ सतगुर नानक जग माहे पठाया। उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेसर ने अरदास बेनती सुन के गुरु नानक इस संसार विच जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। आप जोत रूप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेसर गुरु नानक बन के आया संसार दे विच।
क्योंकि निरंकार ते गुरु मैं बेनती करा दो नहीं होंदे एक ही होंदे ने। बस इन्ना ही फर्क है कि गुरु जो गुरु है साडे गुरबाणी के रूप में गुरु ग्रंथ साहब के रूप में गुरु है और सारे संसार ते प्रकाशक रूप में व्यापक रूप में भी निरंकार भी यही है। महाराज ने कह दिता नानक सोधे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। महाराज कहते सारे सिमरत सातर वेद कहते ने कि पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु ते गुरु च कोई भेद नहीं है। गुरु भी उही है और निरंकार भी उही है। गुरु ग्रंथ साहब जी विचे वचन आउंदे हन वाहो वाहो बाणी निरंकार है ते जीवड़ अवर न कोए। बाणी ही निरंकार है, बाणी ही गुरु है। जो गुरु है जो बाणी दे रूप च गुरु है वह सारे व्यापकता दे रूप च निरंकार है। जो सारे व्यापक दे विचों निरंकार है ते वह फिर शब्द दे रूप च गुरु भी है। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी छां जिहड़ा पै जाए महाराज कहिंदे उहदे सारे दुख गुरु कट दिंदा है। जय जयकार हुआ जग अंतर। महाराज कहिंदे उहनां दा भाई संसार विच जय जयकार हुंदी है जिन्हां दे उत्ते गुरु की कृपा हो जाए दुनिया उहदी जय जयकार करदी है, अज भी करदी है। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जिहड़े जिहड़े भगत होए ने उन्हां दी जय जयकार अज भी दुनिया करदी है, अज भी उन्होंने याद कर दिया। सुर नर मुंजन तिनकी बाणी गाव है कोई ना मेटे भाई। अज उन्हां भगतां दी गाणी बाणी देवते भी गाउंदे ने, सुर नर भी गाउंदे ने, मनुख भी गाउंदे ने, सारी सृष्टि गाउंदी है। जिन्हें भी भगत जो जो भगत होए सो पूजो हो जिन्हां जिन्हां ने भगती की उन्हां दी जय जयकार संसार विच अज भी है, जय जयकार है। अज कौन नहीं जानता कबीर भगत की जय जयकार दुनिया करती है, रविदास भगत की जय जयकार हो रही है, दुनिया उहदी बाणी नूं पढ़दी है, नामदेव नूं दुनिया जानदी है, धन्ने नूं, जिन्ने भी भगत होए सारिआं दी जय जयकार दुनिया च है। और जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने नाम जपिया बाणी पढ़ी है उन्हां दी जय जयकार दुनिया च है। सो इस करके सारे संसार विच जय जयकार है उन्हां दी, सारे वड्याई शोभा हुंदी है। पार ब्रह्म मेरो तारण तरण। मेरा जिहड़ा पार ब्रह्म वाहिगुरु परमेश्वर है जिहदा पारा वारा नहीं पाया जांदा, ब्रह्म शुद्ध स्वरूप है जो ओ तारण तरण। ओ महाराज सच्चे पातशाह जी तारण वास्ते तरण जहाज है, वाहिगुरु नाम जहाज है। गुरबाणी इस संसार तो तारण वास्ते जहाज रूप है। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह इस संसार तो तारण वास्ते जहाज रूप हैं। तारण तरण, तारण हुंदे तरना, तरण हुंदे जहाज, भाव तारण सानू ओ गुरबाणी दा शब्द इस संसार रूपी समुद्र तो तारण वास्ते तरण जहाज रूप है। सो इस करके ए ते जिहड़ा गुरु के शब्द ते सवार होएगा ओ संसार समुद्र तो तर जाएगा, क्योंकि संसार समुद्र तरना यह सारे समुद्रां तो औखा समुद्र है। इहदे विच बड़े विशे विकारां दीआं लहरां ने और ईरखा द्वैत दीआं लहरां ने और बड़े बड़े इहदे विच बड़े बड़े सो ईरखा द्वैत आदिक जिहड़े बड़े बड़े काम करो लोभ अहंकार बड़े बड़े मच्छ ने भयंकर और मोह दा चिकड़ा है संसार विच, इथों तरना बड़ा औखा है। पर इह संसार तो तारन वास्ते एक गुरु ही है, होर कोई नहीं पार कर सकता। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी ही है साडे कोल जो सानू इस संसार समुद्र तरन तारन वास्ते तरन जहाज रूप है। रहाओ विश्राम दे के गुरु जी फरमान करदे हन विश्वंभर पूर्ण सुख दाता। जेड़ा विश्वंभर सारे संसार विच पूर्ण परिपूर्ण भरिया होया है और विश्वंग पर सारे संसार नू पैदा करके सारे नू रोजी देन वाला है, सारे दी देखभाल करदा है। जिहो जी जैसी पूग तैसी का पूरक है, किसे जिहड़ी चीज नू जिस नू लोड़ है ओह जे चीजा नू मुहैया करदा है ओह अकाल पुरख वाहिगुरु परमेसर। जिन्हें भी जीव जंतु ने सारे दा भोजन भी देखण पालन पोषण भी ओह करदा है, इस करके परिपूर्ण भरिया होया है। सो ओ सारियां दा दाता है, सारियां दा मालक है, सारे संसार नू पैदा करके ओनू सारियां दी सार संभाल भी करन वाला है। विश्वंभर जीवन को दाता,
सो सारिया जीवन दाता देने वाला है, सारिया दाता वह दिंदा जिन्निया भी दाता ने, जिन्निया भी दाता ने अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने दित्तियां होईयां ने।